दोस्तों हिंदी टेक ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं राजदीप और आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे बिटकॉइन के बारे में। सो शुरू करने से पहले अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मार्केट में बिटकॉइन इतना छाया हुआ है, आप पेपर में देखो, यूट्यूब पर देखो, इंटरनेट पर देखो, जहां देखो वहां बिटकॉइन 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 कि बिटकॉइन का प्राइस इतना हो गया, बिटकॉइन का प्राइस इतना हो गया। तो लेकिन बिटकॉइन है क्या और वो कैसे काम करता है आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करें तो बिटकॉइन जो है वो एक डिजिटल करेंसी है। अब डिजिटल करेंसी का मतलब हम देखें तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपके पास पैसा होता है तो आपका पैसा जो होता है वो कैश में होता है। आपको कहीं भी पैसा बैंक में डालना हो तो आपको नोट ले जाने पड़ते हैं और उन्हें आप जमा करते हैं तब जाके वो आपके बैंक अकाउंट में दिखाता है। मतलब कि वो फिजिकल करेंसी होती है, आपकी जो करेंसी है वो डॉलर्स हो, रुपीस हो या जो भी हो। लेकिन बिटकॉइन जो है वो एक डिजिटल करेंसी है, वो सिर्फ कुछ नंबर्स होते हैं और उन्हीं नंबर की वैल्यू कुछ होती है। एक बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो अभी 8 लाख 10 लाख है, उस तरीके से उसकी वैल्यू होती है। तो पहली चीज़ कि बिटकॉइन जो होती है वो डिजिटल करेंसी होती है। उसके बाद जो बिटकॉइन होता है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। अब डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी का मतलब होता है कि जितनी भी करेंसी होती है, रुपीज़ ले लो आप, डॉलर्स ले लो आप, या येन ले लो आप, या कोई सी भी करेंसी ले लो, तो उसको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे रुपीज़ है उसको इंडियन गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, डॉलर को यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रोल करता है। तो हर करेंसी को कोई ना कोई कंट्री या कोई ना कोई अथॉरिटी होती है जो कि कंट्रोल कर रही होती है। लेकिन बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसको क्रिएट कर दिया गया लेकिन उसे कोई कंट्रोल नहीं करता, वो डिसेंट्रलाइज्ड है। अब आप सोचेंगे कि अगर डिसेंट्रलाइज्ड है तो वो काम कैसे करेगी, किसके पास कितना पैसा है, कहाँ कितना पैसा रखना है, वो सब कैसे होता है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा क्योंकि बिटकॉइन जिस तरीके से काम करता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसे सिंपल शब्दों में आपको थोड़ा बहुत आपको समझा दूं। तो गाइस जब भी आप बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक के पास पूरा हिसाब होता है कि आपने कितने रुपए रखे हैं, कितने रुपए निकाले हैं, या आपको कितना उस पर आपके सेविंग अकाउंट में कितना रुपया रखा हुआ है, या आपको कितना इंटरेस्ट आपको देना है, या अगर आप पैसे रखते हैं उसमें फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में तो आपको बैंक कितना इंटरेस्ट देगी। तो ये जितना भी हिसाब किताब होता है वो सारा हिसाब किताब बैंक के पास होता है। लेकिन बिटकॉइन जो होता है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। इसका मतलब कि कोई भी अथॉरिटी नहीं होती, कोई भी ऐसी कंपनी टाइप है, कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं होता जो इसका हिसाब किताब रखता है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि फिर वो सारा जो हिसाब किताब है वो कहाँ पर होता है। तो दोस्तों मैंने टोरेंट वाली वीडियो में आपको बताया था कि टोरेंट जिस तरीके से काम करता है उसमें कोई सर्वर नहीं होता, उसमें लोग फाइल्स को अपलोड करते हैं, लोग ही फाइल्स को डाउनलोड करते हैं। तो दुनिया में जितने लोग भी बिटकॉइन को यूज़ करते हैं उन सभी के पास एक डेटाबेस होता है और वो डेटाबेस में जितने भी बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन हैं उन सबकी डिटेल्स होती है। तो अगर आप बिटकॉइन को यूज़ करते हैं और आपका अगर बिटकॉइन का वैलेट है तो आपके पास भी वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि किन किन लोगों ने कितना कितने ट्रांजैक्शन किए और कितने कितने लोगों के पास कितने कितने पैसे हैं। अब ये बात अलग है कि आप उस ट्रांजैक्शन को देख नहीं सकते, उनको रीड नहीं कर सकते, लेकिन जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी बिटकॉइन खरीदता है या कोई भी बिटकॉइन को सेल करता है, तब वो ट्रांजैक्शन आपके पास रीड होता है कंफर्म करने के लिए कि इनके पास इतने पैसे हैं ये जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो एग्जांपल के लिए दो लोगों को ले लेते हैं, एक है ए, एक है बी। ए को बी को पैसा देना है, ए को 5 बिटकॉइन देना है बी को। अब यहाँ पर कोई सिस्टम तो है नहीं, कोई अथॉरिटी तो है नहीं जो कि चेक करे कि किसके पास कितना पैसा है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब भी ए बी को पैसे देने जाता है तो जितने भी बिटकॉइन को यूज़ करते हैं उनके पास डेटाबेस होता है और उस डेटाबेस में एंट्री होती है कि ए के पास बिटकॉइन है या नहीं। तो वो सभी से मैच करता है और जब वो कंफर्म हो जाए कि हाँ इनके पास ये मैच हो रहा है कि इसके पास इतने पैसे हैं, तो वो उस करेंसी को 5 बिटकॉइन को बी को सेंड कर सकता है। अब मैं आपको जितने आसान तरीके से बता रहा हूँ इतना आसान होता नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में जाऊँगा तो मैं बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं इसे बहुत ही सिंपल रख रहा हूँ। अभी जो बिटकॉइन है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। आप अगर आपके पास बिटकॉइन है, अगर आपको कोई बिटकॉइन सेंड करता है तो आप उसे अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके आप उसको इन कैश करवा सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसा रख सकते हैं। और अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है तो आपके बैंक अकाउंट में से पेमेंट करके या क्रेडिट या डेबिट कार्ड में से पेमेंट करके आप बिटकॉइन को खरीद सकते हैं। तो अब बिटकॉइन को खरीदने का फ़ायदा क्या है, तो जैसे कि लोग गोल्ड खरीदते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं, उसी तरीके से अगर आप अभी बिटकॉइन खरीदते हैं
तो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2011 में एक बिटकॉइन की वैल्यू थी $1, और आज उसी बिटकॉइन की वैल्यू हो गई है लगभग 8 से 10 लाख रुपए। तो जो चेंज आया वो बहुत बहुत ही तेज़ी से हुआ है, इसकी जो वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और जिन लोगों ने कुछ 50-100 भी बिटकॉइन उस टाइम पे ले लिए होंगे तो वो तो आज करोड़पति बन गए होंगे, और कुछ ने अगर ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया हो तो हो सकता है वो अरबपति बन गए हों। तो कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में जो बिटकॉइन पर बिजनेस करके करोड़पति बन गए क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया था, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि बिटकॉइन का रेट इतना ऊपर चले जाएगा। अभी भी कुछ फिक्स नहीं है कि बिटकॉइन का रेट ऊपर जाना ही है, हो सकता है कम भी हो जाए और ऊपर भी चले जाए, लेकिन आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। और बिटकॉइन को खरीदना बहुत ही आसान है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जिन पे आप अकाउंट बना सकते हैं, और अकाउंट बनाने पे आपको एक वैलेट मिल जाएगा, वैलेट पे एक आईडी मिल जाएगी, उस आईडी पर आप आपके नेट बैंकिंग से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके बिटकॉइन को खरीद सकते हैं। बिटकॉइन की वैल्यू अगर आपको पता करना है तो आप बहुत आसानी से उसकी पता कर सकते हैं। अगर आपको 2000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो आप सिंपली सर्च कीजिए 2000 रुपीज़ टू बिटकॉइन, तो आपको कितना बिटकॉइन मिलेगा उसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो नहीं लगता कि बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो कम होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से गोल्ड में, स्टॉक्स में, शेयर्स में खतरा होता है कि उनकी वैल्यू नीचे आ सकती है और आपको लॉस हो सकता है, उसी तरीके से बिटकॉइन में भी उसकी वैल्यू कम होकर आपको लॉस हो सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी तक तो जो देखे तो उसमें बिटकॉइन में ग्रोथ ही हुई है, अभी तक बिटकॉइन की वैल्यू जो है और जो प्राइस है वो कम नहीं हुआ है। गाइस मुझे उम्मीद है से आपको क्लियर हुआ होगा कि बिटकॉइन क्या है और बिटकॉइन कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।